सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा प्रारंभ करने के पहले हम सभी सरस्वती वंदना कर लेते हैं, तो इसके लिए सभी ध्यान योग मुद्रा में स्थित होंगे। कुशल सर्वेभ्यः हस्त योज्य नेत्र निमिल्यं मातृ प्रणाम एका द्वा त्रया कुरु। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र वितर, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्माशना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति देवै सदान्दिता, क्षामां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सुप्रभातम। आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम पिछली कक्षाओं की ओर ध्यान देते हैं। पिछली कक्षा के लिए मैंने आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर दी है, जिस पाठ को हम पढ़ रहे थे। आप में से किसी को याद है कि हम पिछली कक्षा में क्या पढ़ रहे थे? हाँ बोलिए, सिंबल से बता सकते हैं मुझे कि आप लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, ये अगर किसी के ध्यान में है। हम पढ़ रहे थे सुक्ति स्तबक, याद आया? याद आया आपको हम क्या पढ़ रहे थे? सुक्ति स्तबक। सुक्ति स्तबक क्या होता है? सुक्ति स्तबक से तात्पर्य है कि अपने सुक्ति से तात्पर्य है अच्छे वाक्य, स्तबक से तात्पर्य बोलना। तो हम अच्छे वाक्यों को अपने जीवन में आचरण में लेने के लिए हम पढ़ रहे थे। पहला श्लोक है, पहले श्लोक के लिए मैं आप में से किसी को इनवाइट करती हूँ और ये पहला श्लोक मुझे आप स्वस्वर वाचन करके सुनाएंगे। हाँ ठीक है, चाह बोलिए बेटा, आइए। यस मैम, मैं बोलूं? मैम 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 बोल रही हूँ। उद्यमे नहि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हाँ बेटा, अच्छा मैं आपको म्यूट करती हूँ। बहुत बहुत अच्छे से कहा आपने। अब इसे हम सोचकर इस तरह से कह सकते हैं, उद्यमे नहि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेन, उद्यमेन से तात्पर्य परिश्रम, परिश्रम से ही, सिद्धयन्ति से तात्पर्य पूर्ण होता है। क्या चीजें पूर्ण होती है? कार्याणि न मनोरथ है, कार्य जो है, किसी कार्य को जैसे हमने करने की बात सोची है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उद्यमेन अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा।
केवल न मनोरथ है, केवल इच्छा, मनोरथ से तात्पर्य इच्छा, तो केवल इच्छा कर लेंगे कि हम इस काम को करेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा। दूसरी लाइन में क्या गया है? न ही सुप्तस्य सिंहस्य, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सुप्तस्य अर्थात सोए हुए, सिंहस्य से तात्पर्य सिंह के, प्रविशन्ति से तात्पर्य प्रवेश करते हैं, मुखे मृगा मुख में हिरण, तो किसी कार्य, पहला इसका लाइन क्या हुआ, किसी कार्य को करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, सोचने मात्र से नहीं होता कि मैं इस कार्य को कर लूंगा, ये सोचने मात्र से नहीं होता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें अपने कार्य को, मैं ये कार्य करूंगा करके सोचना बस नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए हमें उसे, हमें उसे करना चाहिए, केवल सोचने मात्र से नहीं होगा। आगे इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है उस दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक कहने के लिए है, रूबी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ बेटा, रूबी यस मैम, सेकंड वाला श्लोक बोलिए। यस मैम, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव सार्थ किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। हाँ, पुस्तके पठित पाठ, इसके पहले जो हम पहला वाला श्लोक बोल रहे थे उसमें आपको मालूम है ना, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था इसलिए मैं उतना नहीं बता रही थी इसमें, कि ना ही सुप्त से, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सोए हुए सिंह के ही मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। शेर का कार्य है शिकार करना, शिकार करना, तो शिकार कब करेगा वो, शिकार करेगा तभी तो उसको भोजन मिलेगा, और ऐसी स्थिति में जैसे वो शिकार नहीं किया तो हिरण तो आकर खड़े हो जाएंगे कि लो भाई मैं सामने आकर खड़ा हो गया हूँ मुझे खा लो, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दूसरा जैसे आपने पढ़ा है पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, अर्थात क्या कहा गया है, पुस्तके पठित पाठ, पुस्तक में जो पाठ पढ़ी गई है जीवने नैव साधित, जीवने नैव साधित, अगर उसे जीवन में धारण नहीं किया गया, कि पुस्तक में जो हमने पाठ पढ़ी है अगर हम उसे अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं तो किम भवेत तेन पाठ, तो क्या होगा ऐसे पाठों का, किम से तात्पर्य क्या, भवेत से तात्पर्य होना, तेन से तात्पर्य उन, पाठेन से तात्पर्य पाठों का, क्या होगा ऐसे पाठों का, जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक नहीं है अर्थात उपयोगी नहीं है, तो ऐसे पाठों को पढ़ने से भी क्या फायदा। जैसे हमने अभी पहला वाला श्लोक पढ़ा, पहला वाला श्लोक है ना, कि अगर मैं सोचूं कि मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा या आऊंगी, तो मेरे सोचने बस से मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी क्या, नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। अब ये बात सबको पता है। अब दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, पुस्तके पढ़िता पाठ, पुस्तक में जो पाठ पढ़ी गई है अगर हमने उसे जीवन में धारण नहीं किया, जो हमारे जीवन में धारण करने योग्य भी नहीं है, तो ऐसी पाठों को पढ़ने से क्या लाभ, जो जिसको जीवन में धारण ही नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों श्लोक समझ में आया ना, दोनों श्लोक का अर्थ आया, ठीक है मैं आगे चलती हूँ, है ना, जिनको किसी को कुछ पूछना होगा तो वो पूछेंगे। हाँ बेटा तीर्थ बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया, तीर्थ मेहता आप अपनी तरफ से अनम्यूट होइए बेटा। हाँ ठीक है, आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं,
चाहत के नाम से डबल आईडी से आए हैं ना, क्यों? हाँ ठीक है, आपने कहा, आपको समझ में आ गया, अच्छी बातें हैं, अच्छी बात है ये। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चेष्टा, मैं आपको अनम्यूट की हूँ बेटा। चेष्टा, ये तीसरा श्लोक रीड कीजिए। चेष्टा, मैम। हाँ जी, ये तीसरा। यस मैम, कीजिए तीसरा श्लोक रीड। मैम प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं हि वक्त्वं वचने का दरिद्रता। हाँ जी बेटा, इसमें क्या है, तीर्थ, आप प्रॉपर बैठिए। तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरे में कहा जा रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात इसमें क्या बातें कही जा रही है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय से तात्पर्य अच्छी बातें, और प्रदानेन से तात्पर्य प्रदान करना, देना। किसी को कोई चीजें देनी है तो कैसे देनी चाहिए, प्रिय वाक्य, हमें सबके साथ अच्छी बातें अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, जिससे सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, मानवाः लगा है मतलब सभी मनुष्य, सर्वे से तात्पर्य सभी, तुष्यन्ति से तात्पर्य संतुष्टि, सभी संतुष्ट हो जाएं, कौन, मानवाः। हमें कैसे वाक्य बोलने चाहिए बेटा, हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए जो सबको सुनकर अच्छा लगे, और जिनको सुनने अच्छा तो लगे लेकिन झूठ भी नहीं बोलना है कि उसको अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं सच बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ऐसे वाक्य बोलने चाहिए जिससे सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट से तात्पर्य उन्हें वो बातें अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं, तस्मात् इसलिए, प्रियं से तात्पर्य प्रिय, ही से तात्पर्य ही, वक्तव्यं से तात्पर्य बोलना चाहिए, इसलिए व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने से तात्पर्य वाक्य, का से तात्पर्य क्या, और दरिद्रता से तात्पर्य गरीबी। बोलने में कैसी गरीबी, हमें बोलने में रुपए पैसे लग रहे हैं क्या, कि अगर हमें तो एनर्जी उतनी ही लगनी है जितना हम किसी को कर्कश वाणी से बोलेंगे और किसी को मीठी वाणी से बोलेंगे, उतनी एनर्जी लगने वाली है, बल्कि कर्कश वाणी से तो और ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो इसलिए हमें इस वाले वाक्य में क्या कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, व्यक्ति को कैसे वाक्य बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए जिससे सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, जिससे सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाए। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं, इसलिए व्यक्ति को अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपनी बातें कहनी चाहिए, ऐसा तीसरे श्लोक में कहा गया है। ठीक है बेटा, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हुए अगले श्लोक पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, आगे श्लोक पर लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, कुमार, अच्छा आप दिख नहीं रहे हैं कुमार मुझे। हाँ जी कुमार, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी बोलिए बेटा कुमार। हाँ जी बोलिए बेटा। यस मैम। हाँ ये अगला श्लोक बोलिए। गच्छन पिपिल कोई नाम शत्रु
तान्यपि अगच्छनम वेन्तेयोपि पद्मे कम न गच्छति। अति उत्तम, बहुत बढ़िया कहा आपने इसे। हम हाँ बेटा कुमार आप म्यूट हो जाइए। क्या लिखा है इसमें? पिपली को याति, गच्छन पिपली को याति, योजनानां सतान्यपि अगच्छन वेन्तेयो अपि पद्मेकं न गच्छति। अर्थात ये अर्थ में जाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। हमने क्या देखा है? चींटियों को हमने देखा है ना। चींटियां कैसे चलती है? एक के पीछे एक चलते रहती है ना। और आप में से तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि उसकी लाइन तोड़ने की भी कोशिश की है। उंगली से वहां पर लाइन खींच देते हो तो कैसे थोड़ी देर में बिखर जाती है। और लेकिन बिखरती तो है, इसमें से दो चार चींटियां बिखरती है, फिर क्या होता है? फिर होता है कि फिर वो उसी लाइन में अपने बराबर से अपने कार्य चल। किसी ने ऐसे चींटी को सोते हुए कितने लोगों ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है भाई चींटी को सोते हुए। आपने देखा है? नहीं। तो चींटियां सोते हुए हमने कभी नहीं देखे। वो क्या करती है? इतनी छोटी सी रहती हैं, लेकिन उनको हमने क्या देखा है? हमने उनको लगातार चलते हुए ही देखा है। चींटियां चलते रहती हैं, लगातार चलते रहती हैं। इसी के बारे में कहा गया है, इसी के बारे में ये लाइनें कही गई है। क्या कहा गया है देखिए, गच्छन पिपीलिको याति। गच्छन से तात्पर्य जाती हुई, पिपीलिको पिपीलको, पिपीलको से तात्पर्य चींटियां, याति जब वे चींटियां चलती हैं तो योजनानां सन्तान्यपि, योजनानां से तात्पर्य दूरी से, कई किलोमीटर की दूरी, कई योजना की दूरी है ना, कई किलोमीटर की दूरी। सतान्यपि, सतान्यपि से तात्पर्य सैकड़ों, सतान्यपि से तात्पर्य सैकड़ों, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। जब चींटियां चलना प्रारंभ करती हैं, पहले लाइन में क्या कहा गया है? गच्छन पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि। अर्थात जब चींटियां चलना प्रारंभ करती हैं तो वो कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं, क्योंकि चींटियां चलती ही रहती हैं, उनको रुके हुए हमने कभी नहीं देखा। दूसरी लाइन में क्या कहा गया है? अगच्छन वेन्तेयो अपि, वेन्तेय से तात्पर्य गरुड़, गरुड़ क्या है? पक्षी है। गरुड़ क्या है? पक्षी है। तो गरुड़ को हमने क्या देखा हुआ है? गरुड़ को देखा हुआ है उड़ते हुए, पक्षी है ना, तो पक्षी उड़ता हुआ। अब देखो कंपेयर किससे किया जा रहा है? उस चिड़िया से, उस पक्षी से और चींटी से, दोनों में कोई समानता है क्या? चींटी, चींटी तो दिखती भी नहीं और बहुत धीरे धीरे चलती है बेचारी, है ना, बहुत कम ही दूरी तय कर पाती है, लेकिन लगातार चलती है, दूसरी क्वालिटी है। और दूसरी ओर वो गरुड़ है जो उड़ता है, जो एक ही थोड़े ही समय में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि अगर चींटियां चल रही हैं तो वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती हैं, लेकिन वहीं पर अगच्छन, अगच्छन से तात्पर्य नहीं जाता हुआ, अर्थात नहीं उड़ता हुआ गरुड़ भी, गरुड़ अगर बैठ गया है एक जगह और वह उड़ नहीं रहा है तो पद्मेकं न गच्छति। तो पद से तात्पर्य एक भी कदम, मेकम से तात्पर्य एक, एक भी कदम न गच्छति, तो एक भी कदम वह नहीं जाता है, ऐसा कहा गया है। अर्थात यहाँ पर क्या बातें बताई गई है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि हम अपने कार्य धीरे धीरे ही सही लेकिन करते रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं पर हम अपना कार्य करना बंद कर दें तो एक मूर्ख व्यक्ति भी हमसे आगे बढ़ सकता है, जो कम मेहनत, इसलिए हमें अपने कार्य पर परिश्रम करते ही रहना। इसलिए व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उससे कोई कार्य नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। प्रयास करते करते वह क्या कर सकता है? सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से चींटी, चींटी भी गरुड़ को हरा सकती है, जैसे इसमें कहा ना पिपीलको और वेन्तेयो,
तो व्यंत्ययों से तात्पर्य गरुड़ से है और पिपीलिकों से तात्पर्य चींटी से है। चींटी भी अगर धीरे धीरे चलते रहती है तो वह गरुड़ नहीं उड़ते हुए गरुड़ को भी पीछे छोड़ देती है और स्वयं आगे बढ़ जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, आपको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना होगा तो मैं आपको समझ देती हूँ या आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हाँ प्रतीक रीड कीजिए बेटा, मैं आपको अनम्यूट की हूँ। यस मैम। हाँ ये वाला श्लोक बोलिए बेटा, नंबर कौन सा? ये पांच नंबर। यस मैम। काका कृष्ण पीक कृष्ण को बेद पिकायो पिकका वत्स वदंत समये प्राप्ते काकह काकह कपिपिक पिकह। हाँ जी बेटा, काका में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसे हम और कैसे पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ रही हूँ, एक बार सुन लीजिए, फिर प्रतीक आप ऐसे ही बोलिएगा, ठीक है? काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समी प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। मैं फिर से बोल रही हूँ, सुनिए, आप सभी सुनिए। काकह कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। अर्थात क्या कहा गया है? हाँ तो आप बोलिए प्रतीक, ये श्लोक बोलिए। यस मैम। काकह कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पीड़ालकयो वंश समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। बहुत अच्छे से कहा बेटा, पर ये क्या है, दो दो अक्षरों में आप उड़ गए। पीक काकयो लिखा है यहाँ वसंत समय, अति उत्तमम वत्स, बहुत अच्छे से कहा आपने प्रति, अभी आप म्यूट हो जाइए। क्या कहा जा रहा है? काका, यहाँ अर्थ समझना होगा। काका मीन्स कौवा, कृष्ण काला, पीका मीन्स क्या कहा जा रहा है? काका से तात्पर्य कौवा, कृष्ण से तात्पर्य काला, पीका से तात्पर्य कोयल, कृष्णा से तात्पर्य काला। तो कौवा काला होता है और कोयल काली होती है। को भेद पिक काकयो, को भेद, दोनों बेटा ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, आपकी आईडी, आपकी आईडी भी दिख जाती है, जितना आपने लिखा है उसे इरेज कर दीजिए। तो हमने यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? पिक कृष्ण को भेद पिक को भेद पिक दोनों में अंतर कैसा पता चले? दोनों में अर्थात वसंत समये प्राप्ते, वसंत समये प्राप्ते, जैसे ही वसंत का महीना आता है, समय आता है, तभी प्राप्ते आने पर ही पता चलता है कि कौवा काला होता है, काका काका पिकह पिकह, कौवा कौवा है, पिकह कोयल कोयल है। अब दोनों में मैं क्वालिटी बता रही हूँ, आप में से पता है ना कौवा कैसा आवाज करता है? कर्कश, काँ काँ कहते हैं। और कोयल कैसे कहती है? कू कू, ऐसा ऐसा आवाज करती है ना। तो दोनों में एक का तो जो आवाज है वो कर्कश होता है और दूसरे की ध्वनि मधुर होती है। तो और देखने में दोनों
एक जैसे ही होते हैं, देखने में दोनों एक जैसे ही होते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे लोगों को ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि कौवा भी कोयल है, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, मौसम अभी ठंड का समय आएगा ना, है ना, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, तो इसके बाद जैसे ही फरवरी मार्च आता है, वसंत का समय आ जाता है, जब पौधों पर फूल खिलने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोयल कूकती है और कौवा काँव काँव करता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि कौन कौवा कौन कोयल है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, काका कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा काला होता है कोयल काली होती है, को भेद पिका कयो, दोनों के भेद से तात्पर्य दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कैसा पता चले, कैसे पता चलेगा, वसंत समय प्राप्त, जैसे ही वसंत का समय आता है, वसंत ऋतु आती है, वैसे ही पता चल जाता है कि काका काका पिका पिका, कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, ऐसा पता चल जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप में से जिनको भी इन श्लोकों से संबंधित, तो इस तरह से ये श्लोक अभी, ये हमारा जो चैप्टर है सुक्ति स्तंभ का, वो समाप्त हो गया। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए किसी को कुछ पूछना है, रेज योर हैंड बेटा। अच्छा, तीर्थ को पूछना है, अच्छा चाहत को पूछना है, हाँ जी चाहत बोलिए बेटा। मैम, मैम, हाँ मैं सुन, मैम जब आप बोल रहे हैं कि वो मैम, वो मैं पहले हैंड रेज इसलिए करी थी क्योंकि मेरी दो दो आईडी आ गई थी ना। अच्छा ठीक है, और आपको श्लोक समझ में आया बेटा, श्लोक का अर्थ समझ में आया? यस मैम समझ आ गया। अच्छा ठीक है, फिर आप लोअर हैंड कर लीजिए, ठीक है मैं उसे देख लूंगी। ठीक है, लोअर हैंड कीजिए। और म्यूट हो जाइए। किसी को और कुछ पूछना है बेटा? यस मैम। किसी को और कुछ पूछना है, रेज योर हैंड बेटा। ठीक है, तो आज की ये जो कक्षा है मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ठीक है, आने वाली कक्षा में हम अगली पार्ट की ओर जाएंगे, और इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी चीजें पूछनी है, कोई भी अर्थ पूछना होगा, शब्दार्थ पूछने होंगे, तो आप वो शब्द लिखकर मुझे दिखाइएगा, मैं उसके अर्थ आपको बता दूंगी। अभी भी किसी को परेशानी है तो मैं अभी भी समय दे रही हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप सिंबल दिखा दीजिए, थम्स अप दिखा दीजिए। अच्छा, सबको समझ में आ गया, पुनर्मिलावन लिख दिए आप सभी। ठीक है, तो ठीक है, आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए पढ़ाई अवश्य करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप कम से कम 5 लाइनें रोज किसी न किसी बुक से पढ़ेंगे। अच्छा होगा कि आप संस्कृत की बुक लेकर आगे के चैप्टर को एक बार रीड करके आएंगे। ठीक है, हम अगले पार्ट में जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसे एक बार रीड करके आइए, और ये श्लोक, इन श्लोकों का स्वस्वर वाचन करते हुए अभ्यास भी करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। पुनर्मिलावत सर्वेभ्य, पुनर्मिलावत। मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। सर्वेभ्य पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः महोदय।